आई जी कंप्लायंस विद कॉर्पोरेट गवर्नर्स, कंप्लायंस में देखते हैं ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद कॉर्पोरेट गवर्नर्स बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मैंने दो चार लाइनें लिखी हुई हैं, लेकिन हर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को एनुअल रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि जो कॉर्पोरेट गवर्नर्स को हमने कैसे इम्प्लीमेंट किया है पॉइंट बाय पॉइंट। वो जो कॉर्पोरेट गवर्नर्स के रूल्स हैं, हर रूल के बारे में बताना पड़ेगा कि हमने ये वो 23 के करीब हैं, तो ये डिटेल में तो वहीं से पढ़ कर पता चलेगा कि क्या क्या किया उन्होंने इस पर्टिकुलर रूल के लिए। सारी डिटेल्स उसको देनी पड़ेगी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और एक बड़ी लंबी यानी तीन चार पेजेस बन जाते हैं, हर पॉइंट को एक्सप्लेन किया उसमें। तो वो मैंने बाद में आपको दिखा दूंगा किसी होकर कि देखें ये है जो कॉर्पोरेट गवर्नर्स ने तो डायरेक्टर्स जो है चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो उसको मेंशन करता है। दिस स्टेटमेंट इज बीइंग प्रेजेंटेड टू कंप्लाई विद द कॉर्पोरेट गवर्नर्स रूल कंटेन्ड इन लिस्टिंग रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज वेयर बाई द लिस्टेड कंपनी इज मैनेज इन कंप्लायंस विद द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नर। जैसे मैंने कहा ना कि उस तमाम रूल्स को वो साथ एक्सप्लेन करेगा एक एक कर, यदि हमने ये इस तरह से अप्लाई किया। अच्छा, रिव्यू रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑन स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिटर्स। अब जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कोड ऑफ गवर्नेंस के ऊपर रिपोर्ट किया है एनुअल अकाउंट्स में, एनुअल रिपोर्ट में, अब ये ऑडिटर की जिम्मेदारी भी है कि वो उन रूल्स को देखे जो लिस्टेड रिक्वायरमेंट के रूल्स हैं, और फिर कंपेयर करे कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने एक्सप्लेन किया हुआ है क्या वो इंट्रूस्पिरिट उससे मुताबिक रखते हैं, वो अप्लाई होते हैं सही हैं। तो ऑडिटर जो है एक्सटर्नल ऑडिटर, देखें एक तो है वो ऑडिट करता है आकर वो अपनी जगह, लेकिन ये जो उससे हम कह रहे हैं कि जी वो रिव्यू रिपोर्ट दे, ये एडिशनल इस जॉब, उसको अलग से इसके पैसे मिलते हैं। तो वो रिपोर्ट जो देगा वो तभी देगा जब वो ये देखे कि कॉर्पोरेट गवर्नर्स के रूल्स क्या थे जो लिस्टेड रिक्वायरमेंट, और वो किस तरह से अप्लाई हुए हैं इस पर्टिकुलर कंपनी में, और उसकी बेस पर वो अपनी रिपोर्ट देगा। अब वो कहता है वी हैव रिव्यूड द स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नर्स प्रिपेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ पे लिमिटेड, यानी कंपनी ने जो कॉर्पोरेट गवर्नर्स के रूल्स अप्लाई किए हैं वो हमने रिव्यू किए हैं, वो कंफर्म कर रहा है। आप कहेंगे उसकी ज़रूरत क्यों है? असल में हमारे यहाँ एक ट्रेंड सा है कि जो ऑडिटर कह रहा है ना वो ज़्यादा अथेंटिक है, और ख़ास तौर पर एक्सटर्नल ऑडिट की बात हो रही है, इंटरनल नहीं, तो उसके बारे में ज़्यादा है लोगों का रिवाज कि भाई वो सही है, वो सही कह रहे हैं, तो उनसे हमें कन्फर्मेशन ले रहे हैं कि ये आपने वाकई फॉलो किए हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंप्लायंस विद द कोड इज दैट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, यानी वो जो मेंबर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो क्लियर कह रहा है कि हमने उसने ऊपर बता दिया कि जी हमने देख लिया है, रिव्यू किया है, और उसे क्लियर कर दिया है कि ये जिम्मेदारी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है उसमें वो चीफ एग्जीक्यूटिव जो है ऑफिसर वो भी है। बेस्ड ऑन अवर रिव्यू, अब जो उसकी फाइंडिंग है, Nothing has come to our attention which cause us to believe that the statement of compliance does not appropriately reflect the company's compliance. वो कहते हैं जी उन्होंने सही कंप्लाइंस की हुई है, ये नटशेल में ये वो कहना चाहते हैं, और हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जो हम कहें कि जी उन्होंने कंप्लाइंस फॉलो नहीं की। तो ये रिपोर्ट उनको देनी पड़ती है। आप इन ऑल मटीरियल aspect, ऑल मटीरियल, इसका मतलब ये कि कहीं का इमटीरियल चीज़ें तो वो इग्नोर कर रहा है, लेकिन मटीरियल आइटम जो हैं ऑब्वियसली अगर आप 100% रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रह जाता है, तो उसको वो कहते हैं इमटीरियल, जिससे इम्पैक्ट नहीं आता डिसीजन मेकिंग। तो वो स्टैंडर्ड है इसके ऊपर भी कि मटीरियल क्या है बेसिकली अकाउंट में। मटीरियल कहता है कि अगर आपका डिसीजन चेंज हो जाए, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होती तो वो आइटम मटीरियल हो जाएगी, लेकिन एक आइटम बहुत स्मॉल है उससे डिसीजन में चेंज नहीं आता, वो इमटीरियल विद द बेस्ट प्रैक्टिसेस कंटेन्ड इन द कोड। अब ये जो है कोड में जो कुछ मेंशन किया है
वो कहता है कि हमने उसके मुताबिक रिव्यू किया है और हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई जिससे हम कहें कि जी वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो कोड है उसको फॉलो नहीं किया गया। तो ये असल में, अब वो फिर शायद रिपोर्ट है तो साइंस में तो करके देंगे ना। कंक्लूजन में देखें जी, इट कैन बी समराइज दैट वीक एंड इनएफिशिएंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस पोज अ सीरियस थ्रेट टू द इकोनॉमी। मैं आपको बताता हूँ कि असल प्रॉब्लम क्या है, कंपनी फेल क्यों हो रही हैं, कि हम इन रूल्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे। जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान में भी बड़ी बड़ी अच्छी कंपनियां हैं, बड़े बड़े ग्रुप हैं जो बैठ गए जस्ट बिकॉज ऑफ कि जी वो रूल्स को फॉलो नहीं कर। मैंने कई कंपनीज में एज ए चीफ काम भी किया है, यकीन माने मैं उनको बताता था कि ये गलत है, इसको ऐसा ना करें, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो उन्होंने मेरी बात नहीं मानते थे तो मैं छोड़ देता था। आप कहेंगे मैं जॉब ही छोड़ देता, मैं कहा नहीं, मैंने नहीं करा। अगर आप ये गलत काम करने आए तो इसका रिजल्ट ये आएगा। और यकीन माने एक नहीं, दो नहीं, कई कंपनियाँ ऐसी हैं जहाँ मैंने काम किया और जो मैंने कहा एंड ऑफ द डे साल दो साल के बाद वही हुआ। क्योंकि आप जब तक उनको फॉलो नहीं करेंगे, रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, आप देखने एक डायरेक्शन है कि भी आप ऐसे चलाएं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, आपने ऑलरेडी एक मशीन के अगेंस्ट लोन ले रखा है, ठीक है, आप चाहते हैं कि इसी के अगेंस्ट एक किसी और से भी लोन ले लें, तो लॉ ये कहता है कि अगर आपकी मशीन की वर्थ इतनी है कि आप इसमें एडिशनल लोन लिया जा सकता है, तो आप पहले जिससे लोन लिया ना पहला वाला उससे NOC लें कि जी मुझे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब चूंकि जो भी लोन लिया जाता है ना, लॉ की मैं बात करने लगा हूँ, ये लॉ, ये जो लोन आप लेते हैं किसी भी एसेट के अगेंस्ट, ये रजिस्ट्रार और जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास रिकॉर्ड में लाना पड़ता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है कि जी हमने इस एसेट के अगेंस्ट ही लेन वाले। तो जब तक आप NOC लेकर नहीं जाएंगे वहाँ से आपको अप्रूवल नहीं हो। हम क्या करते हैं, मिलजुल कर एक और लोन ले लेते हैं। अब दोनों की रीपेमेंट कैसे होगी, एसेट तो एक ही है, दो जगह से लोन लिया हुआ, दोनों की रीपेमेंट कैसे करें। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स, एक्चुअली प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ कि ये है एक प्रॉब्लम कि हम अगर रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रहे तो फिर एक प्रॉब्लम है। अगर एक कंपनी डिफॉल्ट करती है तो स्टेट बैंक के रिकॉर्ड में उसको आ जाती है और वो सर्कुलेट कर देती है सब जगह कि जी ये डिफॉल्ट कर गई है, इसको आप फर्दर लोन ना दें। अब वहाँ से, मैं नाम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, वहाँ से निकलवाने के लिए यानी स्टेट बैंक उसको निकाले, आपको आपका नाम वहाँ से निकाले, अगेन लॉ है, उसके मुताबिक जाना पड़े। तो ये एक बड़ी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, गुड प्रैक्टिसेस को फॉलो करना इम्पॉर्टेंट तो है ना जिंदगी में। थैंक यू वेरी मच।